आपको भी अस्थमा हो सकता है। क्या आप जानते हैं प्रिवलेंस ऑफ अस्थमा इन इंडिया इज अराउंड 3%, दैट इज 30 मिलियन पेशेंट्स। आइए जानते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा में सांस की नलियों के अंदर सूजन आ जाती है और बाहर लिपटी हुई मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से सांस का आना और जाना दोनों बहुत मुश्किल हो जाते हैं और मरीज को यही चीज़ सांस फूलने का एहसास कराती है। अस्थमा दो प्रकार का होता है, सीजनल और पेरिनियल। सीजनल अस्थमा किसी पर्टिकुलर मौसम के अंदर या मौसम बदलने के कारण होता है। पेरिनियल अस्थमा यूजुअली धूल, धुआं, खुशबू इनके एक्सपोजर की वजह से होता है। अस्थमा किसी भी उम्र में उभर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बचपन में आने वाला अस्थमा अक्सर टीनेज माने 13-19 के बीच में चला जाता है। अस्थमा की जांच मुख्यतः PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, 6 मिनट्स वॉक, PEFR यानी पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट के द्वारा की जा सकती है। अस्थमा का इलाज कई ढंग से किया जा सकता है, जैसे सिरप, गोलियां, इंजेक्शन, इनहेलर या साधारण तौर पर कहे जाने वाला पंप, DPI या रोटा कैप और नेबलाइजेशन वाली मशीन। अस्थमा अटैक को रोकने का दूसरा उपाय है कि जिन चीज़ों से आपको अस्थमा होता है उनको अवॉइड करें, जैसे धूल, धुआं, पराकण, खुशबू, इवन सब्जी का छोंका। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यशोदा अस्पताल नेहरू नगर गाज़ियाबाद के अंदर हमारे पल्मोनरी डिपार्टमेंट में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे अस्थमा का इलाज पूर्ण रूप से किया जा सकता है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गूगल सर्च करके अपना डॉक्टर स्वयं ना बने। जो डॉक्टर आपको सलाह देता है उसके हिसाब से रेगुलरली दवाइयाँ खाने से अस्थमा पर काबू पाया जाना संभव है।